ओके हाँ लाइव मेरे में नहीं शो हुआ गेटिंग लाइव ओके ओके डन इसमें शो नहीं हुआ लाइव डन डन कोई गलती नहीं हुई है कोई गलती नहीं हुई है रेनू रेनू कोई गलती नहीं हुई है रेनू जी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आज जो क्लास हरिओम सर क्लास लेने वाले थे तो वो किसी वजह से आ नहीं पाए हैं तो उस वजह से हमने अपनी क्लास आज रख दी है। ठीक है गुड आफ्टरनून गाइस गुड आफ्टरनून कोई गलती नहीं हुई है हाँ गुड आफ्टरनून आचल गुड आफ्टरनून सोमनाथ गुड आफ्टरनून शाह गुड आफ्टरनून दिव्यांशु गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग बात करेंगे किसकी बेसिक्स ऑफ क्लेवेज एंड गैस्ट्रुलेशन की बेसिक्स ऑफ एनिमल डेवलपमेंट की। जब हम फर्टिलाइजेशन तक हम पढ़ चुके हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है यस हाँ चलो शुरू करते हैं। तो क्लिवेज और गैस्ट्रुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं ये इस बेसिक से भी क्वेश्चंस आते हैं हमेशा ही पूछे जाते हैं बी सेक्शन में आते हैं या सी सेक्शन में आते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब डायरेक्टली तुम्हें पता होना चाहिए कि किस एनिमल में कौन से पैटर्न का क्लिवेज होता है किस टाइप का क्लिवेज होता है किस एनिमल में किस टाइप का एग होता है और सब में गैस दौरान कौन कौन सी मैकेनिज्म कौन सी सेल्स कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती हैं ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट करके बी या सी सेक्शन में इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो हम लोग आज उसी के बारे में बात करेंगे। गुड आफ्टरनून गाइज गुड आफ्टरनून नमस्ते प्रतिभा जी नमस्ते प्रतिभा कुलकर्णी है क्लास है अल्लूरी वैष्णव इकोलॉजी की भी क्लास है टू थिंग्स बाई यू डेवलपमेंटल बायोलॉजी कैसे पढ़नी और कैसे किसी को नहीं भाई नहीं मोहम्मद जी बहुत 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 सॉरी है आप लोगों को हमारा इंतज़ार करना पड़ा इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से हाँ ठीक है चलिए गुड आफ्टरनून पूनम हाँ मेरा कोई इरादा नहीं था आप लोगों को इंतज़ार करवाने का चलिए देखिए देखिए तो हम लोग इसमें बात करेंगे क्या क्या आज हम लोग किस बारे में बात करेंगे क्वेश्चंस में कौन कौन से टर्म्स यूज हुए हैं जैसे होलोब्लास्टिक क्लेवेज क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे आइसोलैसिथल एग टीलोलैसिथल एग सेंट्रोलैसिथल एग इसके बारे में बात करेंगे योक के अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे योक में क्लेवेज किस एग में किस टाइप का क्लेवेज होता है ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं देखिए होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लेवेज मीरोब्लास्टिक क्लेवेज होम और इन सारी चीज़ों को हम लोग अभी पढ़ेंगे उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट में इन्वेजिनेशन इनग्रेशन इन्वॉल्यूशन डिलामिनेशन इपीबोली ये सारे प्रोसेसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं क्लेवेज की। तो जब भी जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है जाइगोट का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है इसमें क्लेवेज स्टार्ट होता है क्या स्टार्ट होता है माइटोटिक डिवीजन होता है माइटोटिक डिवीजन होता है क्लिवेज जो होता है क्लिवेज का रेट नॉर्मल रैपिड सेल डिवीजन होता है क्लिवेज का रेट नॉर्मल सेल डिवीजन से फास्ट होता है रैपिड सेल डिवीजन होता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग सेल साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें चार फेजेस होती हैं G1 S G2 और M ये चार फेजेस पढ़ते हैं लेकिन जब क्लिवेज होता है तो क्लिवेज जो सेल्स क्लीव सेल्स जो होती हैं वो क्या कर देती हैं इन गैप फेजेस को ओमिट कर देती हैं मतलब ये गैप फेजेस क्या हो जाती हैं एलिमिनेट हो जाती हैं सिर्फ दो फेजेस चलती हैं कौन कौन सी एस फेज सिंथेसिस फेज एंड माइटोटिक फेज इसीलिए क्लिवेज का रेट सिर्फ दो फेजेस रन करती हैं इसीलिए क्लिवेज का रेट जो होता है वो नॉर्मल सेल डिवीजन से ज़्यादा होता है जब बहुत सारी सेल्स क्लिवेज के बाद बन जाती हैं जब क्लिवेज के बाद बहुत सारी सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है हाँ थैंक यू प्रतिभा कुलकर्णी थैंक यू सो मच
हम आ गए, सरप्राइजिंगली आ गए आज हम। हमें लगा कि आप लोग वेट कर रहे होंगे और हरिओम सर तो आ जाएंगे नहीं, तो हमने सोचा हम ही अपनी क्लास ले लें। चलो, तो क्या होता है, तो जब बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं तब क्या होता है, तब सेल डिवीजन का रेट जब स्लो होना होता है तो ये गैप फेजेस वापस से क्या कर दी जाती है, इंक्लूड कर जाती है। लेकिन जब तक क्लेवेज चलता है, क्लेवेज जब तक माइटोटिक डिवीजन चलता है, माइटोटिक डिवीजन क्यों बोलते हैं, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, इस तरीके से सेल्स डिवाइड होती हैं, तो क्या होता है, जो क्लेवेज होता है वो बहुत ही रैपिड रेट से होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, क्लेवेज के बाद टू सेल स्टेज आती है, टू सेल ब्लास्टोमियर्स, इन्हें क्या, ये जो क्लीवर बनते हैं ये क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले टू सेल स्टेज आती है, फिर एट सेल स्टेज आती है, टू के बाद फोर सेल स्टेज, देन एट सेल स्टेज, देन 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज को नॉर्मली क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं, मोरुला। बट इस स्टेज में किसी भी तरीके की कोई कैविटी डेवलप नहीं हुई होती है, मोरुला स्टेज में, यानी कि 16 सेल स्टेज में किसी भी तरीके की नहीं होता है। मोरुला के बाद क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। हाँ बिल्कुल, एस फेज और एम फेज, एस फेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होती है, और एम फेज में क्या होता है, डिवीजन होता है। तो एस और एम दोनों फेजेस चलेंगे, केवल G1 और G2 जो गैप फेजेस होंगी वो एलिमिनेट कर दी जाएंगी। अब ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला के बाद ब्लास्टुला में क्या जनरेट होती है, कैविटी, ब्लास्टोसील कैविटी। ब्लास्टुला के दौरान क्या बनती है, ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसील कैविटी बनती है। और उसके बाद क्या आती है, कौन सी स्टेज आती है, उसके बाद आती है गैस्ट्रुलेशन स्टेज। गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या होता है, सेल का मूवमेंट्स होता है, सेल्स जो होती हैं वो मूव करती हैं, और अलग अलग डायरेक्शन में सेल्स का मूवमेंट होता है, और किसका फॉर्मेशन होता है, जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। जर्म लेयर्स मतलब एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या होता है, सेल्स का मूवमेंट होता है और जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्लेवेज के टाइप की बात करते हैं, टाइप ऑफ क्लेवेज की, किसकी बात करते हैं, टाइप ऑफ क्लेवेज, क्लेवेज में, टाइप ऑफ क्लेवेज में किस, दो टाइप के क्लेवेज होते हैं, होल कंप्लीट क्लेवेज एंड इनकम्प्लीट क्लेवेज। तो क्लेवेज का जो डिवीजन किया जाता है, क्लेवेज को जो डिवाइड किया जाता है, किसके बेसिस पे किया जाता है, योग के अमाउंट के बेसिस पे, अमाउंट ऑफ योग, अमाउंट ऑफ योग, योग के अमाउंट के बेसिस पे, योग के अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे क्लेवेज को डिवाइड किया जाता है। तो दो टाइप्स के क्लेवेज होते हैं, एक कंप्लीट क्लेवेज होता है, कंप्लीट क्लेवेज होता है, दूसरा होता है इनकम्प्लीट क्लेवेज, इनकम्प्लीट क्लेवेज। क्लेवेज क्या होता है, जिस भी एग में, जिस एनिमल के एग में योग का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, योग का कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से क्या होगा, सेल्स क्लेवेज में, क्लेवेज में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और क्लेवेज क्या होगा, पूरे के पूरे एग में क्लेवेज हो पाएगा, कंप्लीट एग क्लेवेज में जा पाएगा, क्लेवेज फरो, जो क्लेवेज फरो होती है वो पूरे के पूरे एग को क्लीव कर पाएगी। दैट मींस उसे कैसा क्लेवेज हो रहा है, कंप्लीट, या इसी को बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लेवेज, होलोब्लास्टिक क्लेवेज। यानी कि यहां पर जो योग की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी। वाइल जिस भी एनिमल्स के एग में इनकम्प्लीट क्लेवेज होता है, दैट मीन्स उसके एग में योग का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और जब भी योग का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा योग का जिस भी एग में, तो उसमें कौन सा क्लेवेज होगा, इनकम्प्लीट, या इसी को क्या बोलते हैं, मीरोब्लास्टिक क्लेवेज, मीरोब्लास्टिक क्लेवेज। तो योग के अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे क्लेवेज दो टाइप का होता है, होलोब्लास्टिक क्लेवेज एंड मीरोब्लास्टिक क्लेवेज। होलोब्लास्टिक क्लेवेज किस केस में होता है,
जब भी योग एग में, किसी भी एनिमल के एग में अगर योग की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसमें कैसा होगा, कंप्लीट क्लेवेज होगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, होलोब्लास्टिक क्लेवेज। और जिस भी एनिमल के एग में योग की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी वहाँ उस एग में क्लेवेज प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट क्लेवेज, या इसी को क्या बोलते हैं, मीरोब्लास्टिक क्लेवेज। क्या बोलते हैं, मीरोब्लास्टिक क्लेवेज। हाँ ठीक है, चलो ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक में आने वाले एग्स के बारे में बात करते हैं। तो होलोब्लास्टिक में जो, होलोब्लास्टिक क्लेवेज में जो एग्स आते हैं, इनमें जो एग आते हैं दैट इज आइसोलेसाइथल एग एंड आइसोलेसाइथल या लेसेथल एग एंड मीजोलेसेथल एग, आइसोलेसेथल एग एंड मीजोलेसेथल एग। आइसोलेसेथल एग में क्या होता है, यो का जो अमाउंट होता है यो बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब पूरे एग में योग इस तरीके से कहीं कहीं पर छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है कहीं कहीं पर, तो इस योग को अवॉइड करते हुए जो क्लेवेज फरो होती है वो पूरी तरीके से योग को क्लीव कर पाती है, एग को क्लीव कर पाती है, सॉरी योग को नहीं, एग को क्लीव कर पाती है योग को अवॉइड करते हुए। तो इस तरीके के एग में क्या होता है, योग का डिस्ट्रीब्यूशन इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो क्लेवेज होता है वो प्रॉपरली हो पाता है, यानी कि कंप्लीट क्लेवेज हो पाता है आइसोलेसेथल एग में। वाइल जो मीजोलेसेथल एग होते हैं इनमें जो योग होता है वो एग के वेजिटल साइड पर डिपॉजिट रहता है, एग के वेजिटल साइड पर डिपॉजिट रहता है। मीजोलेसेथल कंडीशन में एग में दो पोल्स होते हैं, एनिमल पोल्स एंड वेजिटल पोल। तो जो जितना भी योग का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कहां पर होगा, वेजिटल साइड पर होगा, कहां पर होगा, वेजिटल साइड पर होगा। लेकिन यहां पर भी कंप्लीट क्लेवेज होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि एनिमल पोल साइड पर योग के एब्सेंस की वजह से क्लेवेज जो होता है वो प्रॉपरली होता है, बनती है माइक्रोमियर्स बनती हैं। जब हम एम्फीबिया पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे एम्फीबियंस में कैसा क्लेवेज होता है, एम्फीबियन में मीजोलेसेथल एग होता है तो उसमें वहां पर कैसा क्लेवेज होता है, वहां पर रेडियल होलोब्लास्टिक क्लेवेज होता है। तो एनिमल पोल पर योग की एब्सेंस की वजह से क्लेवेज जो होता है बहुत ही रैपिड रेट से होता है और बहुत ही प्रॉपरली होता है। वाइल वेजिटल पोल पर योग के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, यहाँ की सेल्स जो होती है वो बहुत बड़ी बड़ी बनती है, मैक्रोमियर्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, मैक्रोमियर्स का। तो क्लेवेज तो यहाँ पर भी कंप्लीट होता है बट एनिमल पोल साइड पर क्या होता है, रैपिड होता है और प्रॉपर क्लेवेज होता है। वेल वेजिटल पोल साइड पर क्या होता है कि क्लेवेज जो होता है वो इतना प्रॉपरली नहीं हो पाता है इन प्रेजेंस ऑफ योग, स्लोली डिवीजन होता है यहाँ पर। तो आइसोलेसेथल एग और मीजोलेसेथल एग दोनों में क्या होता है, दोनों में ही गैस्ट्रेशन ओनली फिजिकल चेंजेस विल अकर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एमडी लाइफ साइंसेस बिल्कुल मैम, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम, हाँ बिल्कुल बताएंगे कशूर जी, अभी प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम की बात भी करेंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लेस कंसेंट्रेशन इन, यस आइसोलेसेथल बिल्कुल एमडी लाइफ साइंसेस बिल्कुल। चलिए चलिए, हेलो निशा जी हेलो। तो बात करते हैं इसकी हो गई आइसोलेसेथल और मीजोलेसेथल की बात हो गई, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं मीरोब्लास्टिक क्लेवेज की। तो मीरोब्लास्टिक क्लेवेज में जो एग्स आते हैं, तो हम यहां पर जितने भी क्लेवेज पैटर्न बता रहे हैं उन सबके जब हम एक्सेस पढ़ाएंगे तो उन सबके क्लेवेज के नाम आप लोग हमें बताएंगे, ठीक है। तो मीरोब्लास्टिक क्लेवेज में दो टाइप के एग आते हैं, कौन कौन से, टीलोलेसेथल एग एंड सेंट्रोलेसेथल एग। टीलोलेसेथल एग के केस में क्या होता है, टीलोलेसेथल एग के केस में जो योग होता है वो एग के एक साइड पर, क्या होता है,
डिपॉजिट योग जो होता है, सॉरी योग नहीं, साइटोप्लाज्म एग के एक साइड पर डिस्क शेप में एक साइटोप्लाज्म, बहुत कम एरिया में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। व्हाई? इस तरीके से जब हम लोग चिक का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि चिक का जो डेवलपमेंट होता है, जो चिक में जो एग प्रेजेंट होता है वो टीलोसिथल होता है, और चिक में जो क्लेवेज होता है दैट इज डिस्क्वाइडल क्लेवेज, डिस्क्वाइडल क्लेवेज। तो डिस्क शेप का साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। तो टीलोसिथल एग में सिर्फ बहुत कम एरिया होता है साइटोप्लाज्म का, वो भी एक एग के किसी भी एंड पर वो प्रेजेंट होता है, बाकी पूरे के पूरे एग में क्या होता है, योग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पूरे के पूरे योग में, पूरे के पूरे एग में योग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जितना भी क्लेवेज होगा वो इसी एरिया में होगा, जहां पर भी योग प्रेजेंट है वहां पर क्लेवेज नहीं होगा। तो टीलोसिथल एग के केस में क्या होता है, योग का कॉन्सेंट्रेशन बहुत, जो क्लेवेज होता है वो इनकम्प्लीट क्लेवेज होता है या मीरोब्लास्टिक क्लेवेज होता है। वाइल सेंट्रोलेसिथल एग की अगर बात करें तो ऐसे एग्स में योग कहां पर होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, योग सेंटर में होता है। तो इस टाइप के एग में साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, बट साइटोप्लाज्म मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स ऑर्थोपॉड्स में इस तरीके का क्लेवेज देखने को मिलता है। और हम लोग इसको किसमें पढ़ेंगे, ड्रोसोफिला में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, ड्रोसोफिला। जब अर्ली डेवलपमेंट पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कि किस तरीके से सिंसाइटियल ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर सेंट्रल ओसिथल एग में जो क्लेवेज होता है इसको क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल क्लेवेज बोलते हैं, सुपरफिशियल क्लेवेज। क्यों सुपरफिशियल बोलते हैं, क्योंकि क्लेवेज कैसा होता है, बहुत ही सुपरफिशियल ही होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, क्यों, और सारे न्यूक्लियस एक सेम साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिंसाइटियम बोलते हैं। तो सेंट्रल एसिथल इनकम्प्लीट क्लेवेज होता है। तो हमें क्या पढ़ा, होलोब्लास्टिक क्लेवेज के लिए आइसोलेसिथल एग और मीजोलेसिथल एग, वाइल मीरोब्लास्टिक क्लेवेज किसमें होगा, टीलोसिथल एग एंड सेंट्रोलेसिथल एग। टीलोसिथल एग के केस में क्या होगा, डिस्क शेप ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा एग के किसी भी एंड पर, और बाकी पूरे में क्या होगा, योग का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। वाइल सेंट्रोलेसिथल एग के केस में क्या होगा, योग सेंटर में प्रेजेंट होगा, कहां पर प्रेजेंट होगा, सेंटर में, जिससे कंप्लीट योग का क्लेवेज नहीं हो पाएगा। तो चलो, हाँ हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आकाश जी, कोई बात नहीं, सबको सबको अपने हिसाब से आंसर देने का कोई पूरा राइट है, कोई बात नहीं आकाश जी। चलिए चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब देखते हैं, इसमें भी पैटर्न्स होते हैं जो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, इन पैटर्न से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि आइसोलेसिथल एग में क्या होते हैं,
अभी सही है वाइस, अभी क्लियर है वाइस, अभी क्लियर है वाइस, हाँ अभी क्लियर है वाइस, हम फिर से रिपीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी वाइस क्लियर है सभी को। अच्छा अच्छा लाल कृष्णा जी, हम लोग कोशिश करेंगे ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो, वाइस प्रॉब्लम दोबारा ना हो। अभी क्लियर है सभी को? हाँ फिर से रिपीट करते हैं, फिर से बात करते हैं, डन, ओके क्लियर है, अब क्लियर है, अब सभी को क्लियर है। चलो तो हमने क्या बात करी, हमने बात करी किसकी किसकी, हमने बात करी होलोब्लास्टिक क्लेवेज में। होलोब्लास्टिक क्लेवेज में क्या आते हैं, होलोब्लास्टिक क्लेवेज में क्लेवेज दो टाइप्स के होते हैं, योग के अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पे क्लेवेज दो टाइप के होते हैं, होलोब्लास्टिक क्लेवेज एंड मीरोब्लास्टिक क्लेवेज, होलोब्लास्टिक क्लेवेज एंड मीरोब्लास्टिक क्लेवेज। होलोब्लास्टिक क्लेवेज के केस में क्या होता है, होलोब्लास्टिक क्लेवेज में दो टाइप के, ये कैसा होता है, कंप्लीट क्लेवेज होता है, यानी कि जिस भी एनिमल के एग में योग का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योग, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योग, तो वहां पर कैसा होगा, कंप्लीट क्लेवेज। मीरोब्लास्टिक के केस में क्या होगा, इनकम्प्लीट क्लेवेज, जहां पर योग का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योग। अब इसमें दो टाइप के एग आते हैं, कौन कौन से, आइसोलेसेथल, एसोलेसेथल, होलोब्लास्टिक के केस में, और मीजोलेसेथल। आइसोलेसेथल में हमने क्या पढ़े, पैटर्न पढ़े कौन कौन से, रेडियल, स्पाइरल, बाइलेटरल एंड रोटेशनल, कौन कौन से पैटर्न पढ़े, रेडियल, स्पाइरल, बाइलेटरल एंड रोटेशनल। इन सब के एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन सब के एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे रेडियल के एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ते हैं क्या, रेडियल के एग्जाम्पल में क्या आते हैं, इकानोडर्म्स आते हैं। तो इस तरीके से पर्टिकुलर एनिमल का नाम लेकर भी क्लेवेज का पैटर्न या एग पूछा जाता है कि कौन से टाइप का एग प्रेजेंट होता है, और रेडियल, स्पाइरल, बाइलेटरल और रोटेशनल। मीजोलेसेथल में, मीजोलेसेथल में किसी भी तरीके का पैटर्न नहीं प्रेजेंट होता, और इसके लिए जो सब एग्जाम्पल है ये सभी को याद रहेगा, एम्फीबिया। देन फिर उसके बाद मीरोब्लास्टिक क्लेवेज की बात करें तो मीरोब्लास्टिक क्लेवेज में दो टाइप के आते हैं, कौन कौन से, टीलोलेसेथल, टीलोलेसेथल एंड सेंट्रोलेसेथल, सेंट्रोलेसेथल। तो टीलोलेसेथल के केस में क्या होता है, टीलोलेसेथल के केस में क्या होता है, योग जो होता है, क्या लिखा हुआ, डेंस योग थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द सेल्स, मतलब योग की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो आपको साइटोप्लाज्मिक पार्ट, जहां पर आपका, जहां पर क्लेवेज होना है वहां पर क्या होगा, वो बहुत ही कम मिलेगा, और वो कहीं पर एग के किसी भी एंड पर मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या कैसा क्लेवेज होता है, इनकम्प्लीट क्लेवेज होता है। फिर उसके बाद इसमें जो पैटर्न होता है, दैट इज बाइलेटरल क्लेवेज एंड डिस्क्वाइडल क्लेवेज। बाइलेटरल क्लेवेज के केस में हमको क्या मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, सेफेलोपोड मोलस्क में, वाइल डिस्क्वाइडल क्लेवेज हमें जो मिलता है वो उसमें फिश में, रेप्टाइल्स में एंड बर्ड्स में, डिस्क शेप का जो साइटोप्लाज्म मिलता है इन एग्जाम। यस बिल्कुल इसी पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा जब इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाते हैं तो वाइस ब्रेक हो जाती है, चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसा ना हो, ठीक है। तो सेंट्रल एसेथल एग के केस में क्या होता है, योग जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और सेंटर में प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। देखिए यहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, यहां पर न्यूक्लियस तो न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रहा है प्लस, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। और इस टाइप का एग हमको कहां मिलेगा, ड्रोसोफिला में देखने को मिलेगा, और ये जो कंडीशन होती है इसे क्या बोलते हैं, सिंसाइटियम बोलते हैं। और इसमें कैसा क्लेवेज होता है, सुपरफिशियल क्लेवेज होता है, बहुत ही सुपरफिशियली होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल क्लेवेज। तो ये सारे क्लेवेज और सारे एग्स और किस टाइप में, किस में कौन से एनिमल में किस टाइप का क्लेवेज प्रेजेंट है, ये सारे पैटर्न आपको याद रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे एक क्वेश्चन आता है, CSIR में एक क्वेश्चन जरूर आता है। हाँ क्लियर हो जाएगा। देखिए कादर, कादर जी, कादर जी, हम यहाँ पर देखिए हर एक पैटर्न को ड्रॉ करवाने का यहाँ पर अभी इसमें टाइम नहीं है, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया है, आपको अगर इससे रिलेटेड आप अपना जब रिवाइज करेंगे और आप फिर से पढ़ के देखेंगे, और आपको अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप
त्र्यंबक साइट पे जो नंबर है वहां पर या तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपनी जो भी डाउट रहेगा या कॉल करके पूछ लीजिएगा, तो आपको आपको हम बता अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है। डन। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल रिटर्न जरूर जरूर कर रहे हैं बिल्कुल लाल कृष्णा जी बिल्कुल। तो डिस्क्वाइटल एग में क्या मीरोप्लास्टिक क्लेच के केस में क्या कैसा होगा? टीलोलेसिथल एग एंड सेंट्रोलेसिथल एग। टीलोलेसिथल एग के केस में आपको दो टाइप के पैटर्न मिलेंगे, बाइलेटरल क्लीवेज एंड डिस्क्वाइडल क्लीवेज, वाइल सेंट्रोलेसिथल एग के केस में आपको कैसा मिलेगा? सुपरफिशियल क्लीवेज। और सुपरफिशियल क्लीवेज मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में होता है, ऑर्थोपोड्स जो ऑर्थोपोड्स फाइलम में ज्यादातर इंसेक्ट्स आ रहे हैं, तो ज्यादातर इंसेक्ट्स में कैसा होता है? सेंट्रोलेसिथल एग होता है और सुपरफिशियल क्लीवेज होता है, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। और ड्रोसोफिला में जब आप ये कंडीशन पढ़ेंगे तो इससे इसी को क्या बोलते हैं, जब एक ही बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्मिक कंडीशन पे एग्जिस्ट करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? सिंसाइटियम बोलते हैं। इसीलिए वहां पर सिंसाइटियल ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। हम ड्रोसोफिला में ये सारी चीजें डिटेल करेंगे। डन डन। तो क्लीवेज में आप इतना पढ़ लेंगे और आपका काम हो जाएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है? बेसिक्स क्लीवेज का इतना ही है। अब हम जो भी एनिमल पढ़ेंगे वहां पर एक बार उसके पैटर्न को अर्ली डेवलपमेंट में किस तरीके से कौन सी सेल्स क्लीवेज के दौरान कौन सा पार्ट किस तरीके से कितनी सेल्स बन रही हैं वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे हर एनिमल के एक्सेस में। चलिए अब बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन की। क्लीवेज के बाद क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन होगा। गैस्ट्रुलेशन के बाद मतलब जब बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी तो उन सेल्स में क्या होगा? मूवमेंट होगा ताकि क्या बन पाए, ताकि जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो पाए। किसका इसका फॉर्मेशन हो पाए? एंडोडर्म का, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, इन सारी जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हो पाए। तो उसके लिए क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन के दौरान सेल का मूवमेंट होगा। गैस्ट्रुलेशन के दौरान सेल का मूवमेंट होगा। देन हम सिंसाइटियल क्लीवेज का क्या फायदा है? सिंसाइटियल क्लीवेज के केस में देखो, जब जिसमें भी जिस भी एनिमल में अभी हम लोग जब ड्रोसोफिला पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे इस क्लीवेज, तो यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी एक्सेस होती हैं वो क्या होती हैं? बिफोर फर्टिलाइजेशन डिसाइड हो जाती हैं। यहाँ जिन भी एनिमल में सेंट्रोलेसिथल एग प्रेजेंट होता है, इन सेंट्रोलेसिथल एग में हम लोग ड्रोसोफिला में पढ़ेंगे कि ड्रोसोफिला के केस में क्या होता है, स्पर्म की एंट्री से पहले इनके एग्स में एक्सेस डिसाइड हो जाती है। जितने भी मैटरनल जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक्सेस को डिसाइड करने का काम करते हैं, मतलब जिनको जहां पर भी काम करना है वो वहां पर जाकर लोकेट हो जाते हैं, लेकिन डोरमेंट कंडीशन में। और उसके बाद क्या होता है, जैसे स्पर्म की एंट्री होती है और फर्टिलाइजेशन होता है, न्यूक्लियर डिविजन शुरू होता है, तो ये सारी एक्सेस अब क्या होने लगती है, जो डिसाइड हुई थी अब वो क्या होने लगती है, बनने लगती है। तो ऐसा क्लीवेज या सिंसाइटल क्लीवेज केस में ही होता है कि बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होने लगती है, एक्सेस डिसाइड होने लगती है। क्या होने लगती है? एक्सेस डिसाइड होने लगती है, ठीक है? ओके, थैंक यू लाल कृष्णा जी, थैंक यू एमडी लाइफ साइंसेस, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, हम पोषण बात करेंगे, बाइक्वाइड की, नोडल की, इन सब चीजों की बात करेंगे हम लोग। अब ड्रोसोफिला में बात करेंगे बाइक्वाइड, कॉडल, ये सारे जीन्स किस तरीके से काम करते हैं वो सब अब अलग अभी अलग बात करेंगे। अब बात करें गैस्ट्रुलेशन की। गैस्ट्रुलेशन के दौरान कितने टाइप के मूवमेंट्स होते हैं? 5 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। सेल्स जो होती हैं इनवेजिनेशन के थ्रू मूव करती हैं, इनवेजिनेशन, सेकेंड प्रोसेस इनवॉल्यूशन, थर्ड इनग्रेशन एंड फोर्थ डिलामिनेशन एंड फिफ्थ इपीबोली। तो ये पांचों प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इन पांचों सेल्स मूव करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनवेजिनेशन की। तो इनवेजिनेशन के दौरान क्या होता है? इनवेजिनेशन के दौरान सपोज एक लेयर ऑफ सेल है, अगर एक सेल की लेयर है ये इस तरीके से, तो ये सेल की लेयर क्या करती है? अगर इपिथेलियल सेल की लेयर क्या होती है? अंदर की तरफ
मूव करती हैं अंदर की तरफ, और इस तरीके से मूव करती हैं कि अपने पीछे एक ल्यूमेन का फॉर्मेशन करती हैं। सपोज अगर ये लेयर वन है और ये टू है, और ये एपिथेलियल लेयर अंदर की तरफ मूव कर रही है यानी कि इनफोल्ड हो रही है, तो वो इस तरीके से इनफोल्ड होती है कि क्या किसका फॉर्मेशन होता है, एक ल्यूमेन का फॉर्मेशन होता है, एक खाली स्पेस बनता है। जब भी इमेजिनेशन के थ्रू सेल्स का मूवमेंट होता है तो उस दौरान क्या होता है, एक खाली स्पेस, एक ल्यूमेन का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए ज्यादातर जब भी ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है उस या फिर माउथ या एनस का फॉर्मेशन होना होता है, तो उस दौरान क्या होता है, यहाँ इस क्योंकि यहाँ पर जब सेल्स मूव करती हैं, एपिथेलियल सेल्स इनफोल्ड होती हैं, तो उस दौरान क्या होता है, एक ल्यूमेन खाली स्पेस बनता है। जैसे अगर आप कोई गुब्बारा लें तो उसमें अगर आप उंगली अपनी जो फिंगर है उसे पोक करें, तो जहां पर आपकी फिंगर जितने एरिया में आपने पोक करी है वो एरिया तो अंदर हो जाएगा लेकिन हो जाएगी, बिल्कुल वही काम यहाँ पर भी होता है। तो ये इमेजिनेशन के दौरान क्या होता है, इमेजिनेशन के दौरान जब सी अर्चिन का हम लोग जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे सी अर्चिन में एंडोडर्म का फॉर्मेशन इमेजिनेशन से होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन फोल्डिंग ऑफ मच लाइक द इंडेंटेशन ऑफ अ सॉफ्ट रबर बॉल व्हेन इट इज पोक्ड। तो दबी भी ध्यान से देखिए यहां पर जो लेयर ऑफ सेल मूव कर रही है तो अपने पीछे क्या कर रही है, एक क्या बन रहा है, ल्यूमेन का फॉर्मेशन हो रहा है। यही होता है इनवेजिनेशन के दौरान। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन में भी क्या होता है, आउटर लेयर जो होती है वो अंदर की तरफ, जो सेल्स की आउटर लेयर होती है वो अंदर की तरफ मूव करती है, लेकिन यहां पर आपको किसी भी तरीके का ल्यूमेन नहीं दिख रहा है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एक्सपेंडिंग आउटर लेयर सो दैट इट स्प्रेड्स ओवर द इंटरनल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग एक्सटर्नल सेल्स। मतलब जो बाहर की सेल्स आई हैं वो अपनी जो अब जो रिमेनिंग आउटर सेल्स बची हुई हैं उनकी पूरी इंटरनल लेयर पर क्या करती हैं, फैल जाती हैं। जैसे अगर इस तरीके से देखें कि सपोज ये लेयर वन है, ये लेयर वन है इवोल्यूशन, और ये लेयर टू है, तो ये क्या हो गई, ये आउटर लेयर हो गई, ये रेड वाली किसी हो गई आउटर लेयर हो गई और ये इनर लेयर हो गई। हमने यहां पर दो लेयर ऑफ सेल्स बनाई हैं। क्या हुआ है, फिर से वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है, दिव्या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ ड्रोसोफिला बस इसी के बाद, क्लेवेज एंड डेस्टिलेशन के बाद ड्रोसोफिला शुरू करनी है। चलो तो ये कैसी है, अब यहां पर हमने दो लेयर ही बनाई है, तो रेड वाली कैसी मान लेते हैं, आउटर लेयर की मान लेते हैं और ये इनर लेयर मान लेते हैं। तो जब रेड वाली मूव करेगी तो वो इस तरीके से मूव करेगी, रेड वाली, और धीरे से आकर यहां पर फैल जाएगी ये। अब जब रेड वाली मूव करके आई तो ये कैसी हो गई, ये सेकेंड आउटर लेयर हो गई और इसके इंटरनल सरफेस पर पूरी तरीके से कौन स्प्रेड हो गया, आउटर लेयर। तो ये इस तरीके से इन्वॉल्यूशन के दौरान क्या होता है, किसी भी तरीके का ल्यूमेन फॉर्म नहीं होता है इन्वॉल्यूशन के दौरान। और हम इसे कहां पढ़ते हैं, इन्वॉल्यूशन कहां होता है, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर जब बनता है, एम्फीबिया के केस में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि ऑर्गेनाइजर का फॉर्मेशन में क्या होता है, इन्वॉल्यूशन, डीबीएल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्यूशन प्रोसेस होता है। देखो एम्फीबिया, मेसोडर्म, ये सारे एग्जांपल आप लोगों को याद रखने हैं, तो जब हम पढ़ाएंगे एक्सेस पढ़ाएंगे तो वहां आप लोग आंसर करेंगे कि कहां पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, वॉइस की प्रॉब्लम अभी भी हो रही है। थैंक यू सोनल गुप्ता, थैंक यू सो मच। चलिए हाँ तो ओके, तो अभी भी वॉइस की प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं तीसरे प्रोसेस की, इंग्रेशन की। इंग्रेशन के केस में क्या होता है, इंग्रेशन के केस में सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, इंग्रेस होती हैं।
इंडिविजुअली सेल्स इंग्रेस होती हैं, जो आउटर लेयर की सेल्स होती हैं वो कहाँ पर आ जाती हैं, एम्ब्रियो के इंटीरियर पार्ट में आ जाती हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये आउटर लेयर की सेल्स हैं, तो ये क्या होती है इंडिविजुअली एक एक सेल इंग्रेस होकर कहाँ पर जा रही है, कहाँ पर जा रही है इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो में, और उसकी वजह से क्या होता है। तो जब भी अब इसकी डेफिनेशन पढ़िए, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस इनटू द एम्ब्रियो इंटीरियर, इंडिविजुअल सेल्स बिकम मेसेनकाइमल एंड माइग्रेट इंडिपेंडेंटली। मतलब यहाँ की जो आउटर लेयर की सेल्स वो रहेंगी, वो कैसी रहेंगी, ये जो आउटर लेयर की सेल्स रहेंगी वो किस तरीके से रहेंगी, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। आउटर लेयर पर कैसी रहेंगी, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। लेकिन जब यही सेल्स इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो में जाएंगी इंग्रेस होकर एक एक कर इंडिविजुअली, तो वो कैसी हो जाएगी, अब वो यहां पर कैसी हो जाएंगी, यहां पर वो फ्रीली माइग्रेट हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, फ्रीली माइग्रेटिंग हो जाएंगी। तो जब भी आउटर लेयर पर लगी रहेंगी तो वो किस तरीके से रहेंगी, वेल ऑर्गेनाइज रहेंगी। लेकिन जैसे इंग्रेशन होगा और एक एक करके ये इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो में गिरेंगी, तो उस तरह ये कैसी हो जाएंगी, फ्रीली माइग्रेटिंग सेल्स हो जाएंगी। अब जो इसके बाद वाला प्रोसेस होता है डिलेमिनेशन और इंग्रेशन मोस्ट ऑफ द सेम प्रोसेस होता है। मतलब काफी सिमिलैरिटी होती है बट कुछ डिफरेंस भी होता है, तब तो नाम अलग अलग है। डिलेमिनेशन के केस में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर शीट इनटू टू मोर और लेस पैरेलल शीट्स व्हाइल ऑन सेलुलर बेसिस इट रिजेंबल्स इंग्रेशन द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एपिथेलियल शीट ऑफ सेल्स। तो ये इंग्रेशन से रिजेंबल करता है, लेकिन इसमें और इंग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, इंग्रेशन के केस में जो सेल्स इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो में गई हैं, वो जरूरी नहीं है कि आउटर लेयर के पैरेलल ही एक लेयर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करें। लेकिन डिलेमिनेशन के दौरान जो क्या लिखा हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर शीट इनटू टू मोर और लेस पैरेलल शीट्स। जब हम चिक का डेवलपमेंट पढ़ाएंगे, चिक में हाइपोब्लास्ट का जो फॉर्मेशन होता है, ये रहती है इपीब्लास्ट की सेल्स। चिक के डेवलपमेंट के दौरान हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन कहां होता है, कहां पर होता है, ये मेसेनकाइम रीजन में। कहां पर होता है, यहां पर। ये जो हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, ये बेसिकली इपीब्लास्ट सेल्स के डिलेमिनेशन से होता है। इपीब्लास्ट सेल्स ही जो होती है वो डिलेमिनेट होकर हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन करा देती है, और ये हाइपोब्लास्ट एग्जैक्टली पैरेलल किसके होता है, इपीब्लास्ट के पैरेलल होता है। किसके पैरेलल होता है, इपीब्लास्ट के पैरेलल होता है। तो चिक के केस में या फिर डिलेमिनेशन के केस में क्या होता है, जो वन लेयर ऑफ सेल्स होती हैं जिनसे माइग्रेट होकर दूसरी सेल्स बनी है मेसेनकाइम रीजन में, वो बेसिकली इसी के पैरेलल होती हैं, बिल्कुल इसी के पैरेलल होती हैं। ये हो गई इपीब्लास्ट की सेल्स और ये हो गई हाइपोब्लास्ट की सेल्स। तो दोनों में डिफरेंस देख के चलना, वहां पर इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो में इंडिविजुअली सेल्स गिर रही हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम उसी पैरेलल लेयर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करें। डिलेमिनेशन के केस में भी यही हो रहा है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, एक पैरेलल शीट्स बन रही हैं, जो जिस सेल्स आई हैं उस लेयर से सेल्स क्या बना रही हैं, उसी के एकदम पैरेलली दूसरी लेयर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। ये डिलेमिनेशन का प्रोसेस होता है। क्लियर है सभी को? तो दोनों में डिफरेंस समझ के चलना। इंग्रेशन किसमें होता है, सी आर्ची मेसोडर्म में देखने को तुम्हें मिलेगा, और डिलेमिनेशन का केस जब हम चिक का डेवलपमेंट पढ़ाएंगे, वहां पर हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन पढ़ाएंगे, तो वहां पर दिखाएंगे कि डिलेमिनेशन के केस में कैसे इपीब्लास्ट से जो हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है वो कहां पर होता है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल सेल्स बनती हैं, पैरेलल लेयर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है। लास्ट प्रोसेस है जो वो इपीबोली। क्लियर है सभी को? हाँ, थैंक यू निशा जी, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, आशीष से पढ़ाते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, वही पढ़ाएंगे। चलिए, सभी को क्लियर है, बताइए। ओके, चलिए अब बात करते हैं इपीबोली की। इपीबोली में क्या होता है, जब भी कहीं पर भी इपीबोली का टर्म आए ना, तो समझ जाना किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है।
का फॉर्मेशन हो रहा है एक्टोडर्म का, क्यों? ईपी बोली के दौरान जब भी ईपी बोली का प्रोसेस होता है, सेल्स की थिनिंग होती है, सेल्स की थिनिंग होती है, मतलब ये एक लेयर ऑफ सेल है तो ये इस तरीके से क्या होती जाएंगी, एकदम थिन होती जाएंगी, और थिन होते होते क्या करेंगी, पूरे के पूरे एम्ब्रियो को कवर करने का काम करेंगी, यानी कि एक्टोडर्म लेयर का फॉर्मेशन करेंगी। तो इपीवोली से हमेशा इसका फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। इपीवोली के दौरान जब एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है, उस दौरान भी बहुत सारे प्रोसेसेस रन होते हैं, समटाइम्स डिलेमिनेशन होता है, डिलेमिनेशन के थ्रू सेल्स जो होती हैं इपीवोली प्रोसेस को रन करती हैं, कहीं कहीं पर तुम्हें इन वो कन्वर्जेंट एक्सटेंशन का प्रोसेस देखने को मिलेगा। कन्वर्जेंट एक्सटेंशन का प्रोसेस क्या होता है, कन्वर्जेंट एक्सटेंशन के प्रोसेस में क्या होता है, कई लेयर्स ऑफ सेल होती, कई सारी सेल होंगी, जैसे ये तीन चार लेयर ऑफ, तीन लेयर ऑफ सेल है, इनमें कन्वर्जेंट एक्सटेंशन होगा। तो तुम लोगों ने कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी पढ़ा होगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी पढ़ा होगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता रहता है, सेल्स जो होती हैं वो आपस में, जैसे यहाँ पर तीन लेयर ऑफ सेल हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, आप दो लेयर का फॉर्मेशन करेंगी, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी क्या करते हैं, क्या होता जाएगा, सिंगल लेयर ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो इस तरीके भी समटाइम्स इपीवोली रन करती है। तो कभी और नॉर्मली क्या होता है, जब भी इपीवोली का प्रोसेस रन होता है तो सेल्स क्या होने लगती है, थिन होने लगती है। क्यों होने लगती है, क्योंकि उन्हें पूरे के पूरे एम्ब्रियो को क्या करना रहता है, कवर करना रहता है। एक्टोडर्म का काम क्या होता है, पूरे पूरे एम्ब्रियो को कवर करना। तो जब भी इपीवोली का प्रोसेस होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म का। पढ़िए डेफिनेशन, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ इपिथेलियल शीट्स यूजुअली एक्टोडर्मल सेल्स, हमेशा एक्टोडर्मल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, स्प्रेडिंग एज यूनिट रेदर देन इंडिविजुअली टू इनक्लोज डीपर लेयर्स ऑफ द एम्ब्रियो कैन अकर बाय सेल्स डिवाइडिंग, बाय सेल्स चेंजिंग देयर शेप, और बाय सेवरल लेयर ऑफ सेल्स इंटरकैलेटिंग इनटू फ्यूअर लेयर्स, ऑफन ऑल थ्री मैकेनिज्म आर यूज्ड। तो कभी कभी सेल्स क्या होने लगती है, डिवाइड होने लगती है, कभी कभी वो अपने शेप को चेंज करने लगती है, क्या करने लगती है, अपने शेप को चेंज करने लगती है, और उसके बाद बाई सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स इंटरकैलेशन। इंटरकैलेशन का प्रोसेस किस तरीके से होगा, अगर इपीबोली का प्रोसेस इंटरकैलेशन के थ्रू हो रहा है, सपोज ये एक लेयर ऑफ सेल है, ये एक लेयर हो गई सेल की, और ये दूसरी लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, और इनके बीच में अगर इंटरकैलेशन होना है तो किस तरीके से होगा, ये सेल्स अगर इंटरकैलेट होंगे सिंगल लेयर ऑफ सेल बना लेंगे, अल्टीमेटली इन्हें क्या करना होता है, अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करना होता है। तो ये कैसे बनाएंगी, इस तरीके से बना लेंगी, ये इस तरीके से, इस तरीके से ये क्या कर लेंगी, एक दूसरे के बीच में इंटरकैलेट हो जाएंगी और सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करने लगेंगी इस तरीके। और क्या हो जाएगा, जब दो लेयर ऑफ सेल्स, अरे इंटरकैलेटिंग डाइस पड़ी है जो डीएनए बेस पेयर्स के बीच में क्या कर जाती है, इंटरकैलेट कर जाती है और वहीं पर रोक देती है प्रोसेस को, उसी तरीके से ये सेल्स क्या होंगी, एक दूसरे के बीच में क्या हो जाएंगी, इंटरकैलेट कर जाएंगी, जिससे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या कर पाएंगी, पूरे के पूरे एम्ब्रियो को कवर कर पाएंगी, डीपर लेयर्स को कवर कर पाएंगी। तो इपीबोली का प्रोसेस जो होता है वो कई तरीके से परफॉर्म होता है, बाय द सेल्स डिवाइडिंग, बाय सेल्स चेंजिंग देयर शेप, एंड बाय द इंटरकैलेशन। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, जब भी गैस्ट्रेशन के दौरान सेल का मूवमेंट होता है तो इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू, हाँ इथिलियम ब्रोमाइड एक्रेडिन डाइज, ये सब इंटरकैलेटिंग डाइज होती हैं, हाँ, तो इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू क्या होता है, इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू सेल्स का मूवमेंट होता है और सेल्स क्या करती हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म और मेसोडर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं। डन डन। और इन्हीं सेल्स के मूवमेंट के बेसिस पे क्या बनते हैं, फेट मैप्स बनते हैं, क्या बनते हैं, फेट मैप्स बनते हैं। बेसिक्स ऑफ क्लीवेज एंड गैस्ट्रेशन में इतना ही था, अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, बताइए द पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज स्पेसिफिक टू अ स्पीसीज इज डिटरमाइंड बाय टू मेजर पैरामीटर्स, द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक प्रोटीन विद इन द साइटोप्लाज्म,
Again, the factors in the cytoplasm that influence the angle mitotic spindles and the timing of its formation. Which of the following statements are true? हमें इसके बेसिस पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी. पहली स्टेटमेंट दी हुई है, स्पीसीज हैविंग टीलोलेरिथल एग फॉलो अ होलोब्लास्टिक क्लीवेज. जो टीलोलेरिथल एग होते हैं क्या उसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है? बताइए क्या ये ऑप्शन सही है. हाँ डन. चलिए बताइए क्या ये ऑप्शन सही है, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं, बताइए. टीलोलेरिथल एग में कैसा क्लीवेज होता है? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, यानी कि इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है. तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. स्पीसीज हैविंग आइसोलेरिथल एग फॉलोज अ होलोब्लास्टिक क्लीवेज. बिल्कुल, आइसोलेरिथल एग में कैसा क्लीवेज होता है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है. तो ये ऑप्शन करेक्ट है. स्पीसीज हैविंग सेंट्रोलेरिथल एग हैव अ फॉलो अ होलोब्लास्टिक क्लीवेज. नहीं, कैसा क्लीवेज होता है? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है. एंड स्पीसीज हैविंग आइसोलेरिथल एग फॉलो अ मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. तो हम लोगों को पता है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन. चल सेकेंड देखिए, विच काइंड ऑफ क्लीवेज इज शोन इन मैमल्स. तो आइसोलेरिथल के केस में चार पैटर्न बताए. आइसोलेरिथल के केस में हमने चार पैटर्न बताए. कौन कौन से? स्पाइरल, रेडियल, स्पाइरल, रेडियल, स्पाइरल, बाइलेटरल एंड रोटेशनल. बाइलेटरल एंड रोटेशनल क्लेवेज. और यहां पर इन्होंने मैमल्स पूछा है, और मैमल्स हमने देखा था कि कहां पर मिल रहा था हमको, रोटेशनल के केस में. मैमल और निमेटोड्स में क्या होता है? रोटेशनल क्लेवेज हो रहा है. तो यहां पर हमें पता है कौन सा होगा? होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लेवेज. क्योंकि आइसोलेरिथल एग में कैसा क्लेवेज होता है? होलोब्लास्टिक क्लेवेज होता है. और यहां पर कौन सा पैटर्न होता है? रोटेशनल. तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम्पल्स तो याद करने ही होंगे. अगर एग्जाम्पल्स आपको याद रहेंगे ना, तो आपको मैमल्स देखते ही याद आ जाएगा कि हाँ मैमल्स में कौन सा एग होता है? आइसोलेरिथल एग होता है. कौन सा पैटर्न हमने देखा था उसमें? रोटेशनल. डन डन हो जाएंगे ना क्वेश्चन, हो जाएंगे ना इस टाइप के. हाँ ओके ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एक्सपेंडिंग आउटर लेयर स्प्रेडिंग ओवर द इंटरनल सरफेस ड्यूरिंग गैस्टुलेशन इज टर्म्ड एज. बताइए बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा. बताइए इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एक्सपेंडिंग आउटर लेयर स्प्रेडिंग ओवर द इंटरनल सरफेस ड्यूरिंग गैस्टुलेशन इज टर्म्ड एज. यहां पर इपिथीलियल सेल्स की इनफोल्डिंग नहीं हो रही, क्योंकि अगर इनफोल्डिंग हो रही होगी तो हमें क्या मिलता? ल्यूमेन मिलता. यहां पर क्या हो रही है? आउटर लेयर ऑफ सेल्स कहां जा रही है? इंटरनल सरफेस पर क्या हो जा रही है? स्प्रेड हो जा रही है. तो इस केस में कौन सा प्रोसेस होगा? कौन सा प्रोसेस होगा? इनवोल्यूशन. वेरी नाइस. इनवोल्यूशन. वेरी नाइस. वेरी नाइस. चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं. CSIR में आया हुआ क्वेश्चन है. आप लोगों की सारी सारी जितनी भी अभी आपने प्रोसेसेस पढ़े हैं ना गैस्टुलेशन के, वो सारे रिवाइज हो जाएंगे. हालांकि इन्होंने इनमें से एक ही पेयर पूछा है कि कौन सा तीनों का पेयर सही है. मतलब आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए और उसका एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए. लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, हम लोगों को मैथ कराने रहेंगे किससे? टर्म से, उसकी डेफिनेशन और उसके बाद उसका एग्जाम्पल. हम लोग उसकी डेफिनेशन तो मैच करा ही सकते हैं, अगर अभी एग्जाम्पल तुरंत सबको नहीं याद हुए होंगे, समझ सकते हैं. तो हम लोग डेफिनेशन समझ चुके हैं, तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ के क्या बता सकते हैं, कौन सा प्रोसेस होगा. बिल्कुल किया जाए ये क्वेश्चन. चलिए चलिए सबसे पहली डेफिनेशन क्या दी हुई है? सबसे पहली डेफिनेशन क्या दी हुई है बताइए. मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल सेल्स एज अ यूनिट टू इनक्लोज डीपर लेयर ऑफ द एम्ब्रियो. बताइए कौन सा प्रोसेस है इनमें? अगर आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ में आया है मेरा, आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. तो आप लोग बताइए कि इस डेफिनेशन से कौन सा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ रहा है? इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इनग्रेशन, डिलैमिनेशन या इपीबोली? बताइए बताइए. नहीं नहीं नहीं. यस यस एमडी लाइफ साइंसेज. वेरी नाइस. इपीबोली प्रोसेस है दिस. अभी हमने क्या बताया? Deep movement of epithelial cells as a unit, not individually, enclose deeper layers of the embryo.
डीपर लेयर मतलब एंडोडर्म और मेसोडर्म को कवर कर रही है वो सेल्स, तो क्या हो गई, इसीलिए हमने समझाया कि क्या होता है वो सेल्स की थिन तरीके से क्या करती हैं, एपिपोली के दौरान सेल्स क्या करती हैं, डीपर लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो को कवर करती हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस है, एपिपोली का। बिल्कुल 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 अर्चना जी, रूपल बिल्कुल सही, बिल्कुल नेहा, अल्लूरी, भास्कर, सभी ने सही जवाब दिए हैं, बहुत अच्छे। चलिए अब सेकेंड देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर शीट इंटू टू पैरेलल शीट्स। अभी बताया कौन सा प्रोसेस होगा, इसको गलत नहीं करना भाई, इसको गलत नहीं करना भाई, कोई भी बताइए। स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर शीट इंटू टू पैरेलल शीट्स, पैरेलल शीट्स का फॉर्मेशन किसमें हो रहा था, किस प्रोसेस में, अभी हमने बताया कि एपिथेलियल सेल्स के बिल्कुल पैरेलल मेसेनकाइमल सेल्स का फॉर्मेशन होगा, बताइए। यस, किसमें होगा, डिलेमिनेशन में, किसमें होगा, सो इट इज हाँ ठीक है, किसमें होगा, डिलेमिनेशन में, बिल्कुल। सेकेंड, फिर इनफोल्डिंग ऑफ एपिथेलियम किसमें होगी, हमें पता है इनफोल्डिंग से क्या होगा, फोल्डिंग होगी तो क्या होगा, ल्यूमेन फॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा, ये किसमें होता है, ये किसमें होता है, इनफोल्डिंग ऑफ एपिथेलियम किसमें होगा, इनफोल्डिंग ऑफ एपिथेलियम का प्रोसेस किसमें होगा, बताइए, इनवेजिनेशन, बिल्कुल। इनफोल्डिंग ऑफ एपिथेलियम किसमें होगा, इनवेजिनेशन, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इमेजिनेशन नहीं इनवेजिनेशन, चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो अब नेक्स्ट, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सर्फेस इन टू द इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सर्फेस इन टू द इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो, तो इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो में जब सेल्स इंडिविजुअली गिरती हैं इनग्रेस होकर, लो हमने तो टर्म ही बोल दिया, बताइए कौन सा प्रोसेस होगा, इनग्रेशन, बिल्कुल प्रोसेस होगा। और इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग आउटर लेयर सो दैट इट स्प्रेड्स ओवर द इंटरनल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग एक्सटर्नल सेल्स, अब बताइए ये कौन सा प्रोसेस है, जिसका जवाब आप लोग सबसे पहले दे रहे थे वो है ये प्रोसेस, कौन सा है, इनवर्ड नहीं भाषण, डिलेमिनेशन नहीं, इनवॉल्यूशन, यस इनवॉल्यूशन, यस ये कौन सा प्रोसेस है, इनवॉल्यूशन का। तो अगर आप लोगों को डेफिनेशन देख के प्रोसेस समझ में आ जाए, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चंस करके देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा अच्छे से, अगर डेफिनेशंस देख के आप लोग प्रोसेस कर ले रहे हैं, प्रोसेस समझ ले रहे हैं, तो फिर काम हो गया, मतलब फिर क्वेश्चन गलत होना ही नहीं है, फिर तो हमें पता है कि हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन, जब हम एक एक्सेस पढ़ेंगे, जब हम एक एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें पता चल जाएगा हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन डिलेमिनेशन के थ्रू होता है, ये सारी चीजें, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन एपिबोली के थ्रू होता है, मेसोडर्म का फॉर्मेशन इन्वॉल्यूशन के थ्रू होता है, एम्फीबियन में मेसोडर्म का फॉर्मेशन इन्वॉल्यूशन के थ्रू होता है, एंडोडर्म इन सी अर्चिन, ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएंगे, जब आप लोग सी अर्चिन का डेवलपमेंट, एम्फीबिया का डेवलपमेंट, चिक का डेवलपमेंट और सारी चीजें पढ़ेंगे, तो आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाएंगी, सिर्फ डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि डेफिनेशन में पूछ क्या रहा है, हो जाएगा ना। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू एमडी लाइफ साइंसेस, थैंक यू, आपने हम लोगों का इतना साथ दिया, चलिए डन ओके। तो आज का टॉपिक यहीं पर, ये बेसिक्स थे एनिमल डेवलपमेंट के कि किसमें कौन सा क्लेवेज होता है और किस तरीके से सेल्स का मूवमेंट होता है, डन। अब मे बी हम मंडे को ही मिले, मंडे को नहीं, संडे को, अभी आप लोगों का टेस्ट है, जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज में एनरोलमेंट लिया, टेस्ट सीरीज के लिए उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, अच्छे से टेस्ट देना, और हाँ, और जिन्होंने टेस्ट सीरीज में एडमिशन नहीं लिया है, वो अगर लेना चाहें तो वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ड्रोसोफिलासिस फॉर्मेशन सोच रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में शुरू करें हम, डन। चलिए और अपने कमेंट्स बताते रहा करिए कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सही है, नहीं अच्छा नहीं भी लगा तो भी कमेंट्स में बताया करिए कि क्या कमियां रह गई हैं, या कोई टॉपिक छूट गया है जो एक्सप्लेन नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करने की। धन्यवाद, बाय। हाँ बिल्कुल, डाउट संडे को क्लास होगी, जो टेस्ट होगा उन टेस्ट क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, तो उन क्वेश्चंस का डिस्कशन सेम डे ही होगा। चलिए ओके, डन।